तो वहीं जयपुर में मातृशक्ति का दूसरा समागम हुआ जिसमें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो शामिल हुई और इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को आज देश के अंदर जो रोल अदा करना है उस रोल की तैयारी करनी होगी। वसुंधरा राजे ने कहा कि महिलाओं को अपना स्वाभिमान बहुत प्यारा है और वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ती हैं। अपने परिवार धर्म देश की बात होती है क्षेत्र की बात होती है तो लड़ने के लिए पीछे नहीं पड़ती हैं, लड़ती हैं। और आपको बता दें कि यहां पर आज राजस्थान में महिलाओं पर कदम कदम पर अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म के 1400 मामले हैं और महिलाओं के बिना समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता, समाज में परिवर्तन महिलाएं करती हैं। आज यहां कहना चाहूंगी कि अगर परिवार की बात हो जाती है, अगर अपने धंधे की बात हो जाती है, अगर अपने देश की बात हो जाती है, अगर अपने क्षेत्र की बात हो जाती है तो वो महिला उसकी इज्जत के लिए लड़ने में कभी पीछे नहीं हटती है और इस स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश में कमी नहीं छोड़ती है। आपको याद होगा कि एक समाना था जब वो अपने आंगन की तुलसी हुआ करती थी, बाहर क्या हो रहा था किसी को मालूम भी नहीं होता था, परंतु नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाके पास किया है हमारे लोकसभा के अंदर, उसने हमारी ये आवाज को पूरी दुनिया के अंदर उठाने का काम किया है। मैं सब एक ऐसी चीज है बहनों जो आगे चल के हमको वो ताकत देगी हमारी खुद की लड़ाई लड़ने की। अत्याचार की 20-20 घटनाएं देखने को मिल रही हैं, कदम कदम पर मातृशक्ति का अपमान हो रहा है और दुष्कर्म के तो करीबन 1400 प्रकरण ऐसे हैं जो आज भी लंबित हैं। संबंधित महिलाओं को न्याय कब मिलेगा ये हम सब के दिल के अंदर बात है। हम लोग सब ये पूछते रहते हैं कि हमारी कैसी सरकार है जो हमारी महिलाओं की इज्जत को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकती, और उन महिलाओं का क्या होगा जिनके ये प्रकरण अभी भी पड़े हुए हैं।